तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हुए हैं माँ त्रिकुटा माता मंदिर, यहाँ का व्लॉग आपको आज देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं टिकट। यहाँ पे टिकट मैं आपको बता दूँ, हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, तो सपोर्ट कीजिएगा गाइस, ताकि ऐसी ही और भी वीडियो हम ला सकें आपके लिए। आइए डोलेश्वर जी, आपका स्वागत है। बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है भाई। बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है अभी। हाँ तो बताइए, कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे? करे कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे? तो चलिए चलते ऊपर। यहाँ पर दोनों साइड पे कुछ पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि, और साथ में यहाँ पर लकड़ी की कुछ ऐसे बनाए हुए, आप देख सकते हो। बाहर से यहाँ पर कुछ रोड का नज़ारा दिख जाता है, और अंदर से यहाँ पे आप देखोगे तो पहाड़ दिखेगा सामने, जी की गुफा बनी हुई है एक, उसके बारे में भी अभी बताएंगे आपको। तो चलिए चलते थोड़ा आगे, आगे का भी नज़ारा देखेंगे, बाकी बहुत बड़ा है अभी, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन अगली वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम, जो हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, तो इस वीडियो में हम कुछ, बाकी देखो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मज़ा आ गया भाई, सच्ची बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर आओ, एंड यहाँ पर ट्रेन ने वहाँ कुछ बना रखा है, जिसमें से निकल के, जैसे एंट्री लेते हैं ना, तो वहाँ से ट्रेन से निकल के जा सकते हैं दूसरी तरफ। और जो शिव शंकर भगवान है उनके ऊपर से कुछ गंगा बह रही है, देखो, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है, प्यारी लग रही है। एंड ये है आपको नज़ारा, बाकी नीचे भी आप और भी आपको घूमना है, और भी हमको दिखाने वाले हैं आप लोगों को। साथ ही इधर बैठने का कुछ बना रखा है, आप देख सकते हो, जो कि पहाड़ टाइप बना रखा है, पहाड़ों में बना हुआ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पहाड़ टाइप फील आती है यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पर बैठ भी सकते हो, बाकी इधर से भी बाहर का नज़ारा दिख जाता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से नीचे की साइड, नीचे भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह है, वो भी आपको दिखानी है। तो यहाँ से चलते हैं नीचे की साइड और दिखाते हैं आपको। बाकी आप यहाँ पर जा सकते हो, बहुत शानदार जगह है। एंड इस साइड पे कुछ पहाड़ नुमा बना रखा है, गुफाएं शायद ये, तो चलिए चल के देखते हैं। आई थिंक ये गुफा ही है, और यहाँ पे झरना बह रहा है जो कि ऊपर से आ रहा है। एंड यहाँ पर शायद कुछ काम चल रहा है, कुछ अभी पूरा हो नहीं पाया होगा। बाकी यहाँ पर भी अच्छा, आई थिंक यहाँ पे भी कोई देवी देवता को शायद रख सकते हैं। ऊपर लाइटें भी लगी हुई हैं यहाँ पे, यहाँ लगी है बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। बाकी झरना भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ पे से निकल रहा है और किसी नदी में मिला हुआ है। अच्छा यहाँ भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, तस्वीर तो हमारे रखना पड़ेगा। हाँ चले सर, हमारे जूते संग्रह में रखो।
खोल ले दे दे ये दे दे उठा के पहले बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, पहले इतनी भीड़ नहीं थी बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। ये सामने लाइव चल रहा है इंस्टाग्राम पे सारा, मैं लाइव चल नहीं सकता क्योंकि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है मुझे, तो इस वजह से मैं लाइव चल नहीं सकता। बाकी भाई ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ी बार गुफा बना रखी है अंदर, आप जाके देखना एक बार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इधर से जाओगे पूरी गुफा में घूम के आना पड़ेगा, छाट में जो हाँ लेट के इधर से भी वहाँ पे भी जब मूर्ति है वहाँ पे मूर्ति दिख रही है आपको, वहाँ पे मूर्ति में भी जाना पड़ सकता है। अगर आपने सुबह आओ तो यहाँ पे देखे कोई इतनी भीड़ नहीं थी बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी मेले में आए हुए हैं, देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा। पहले जब आगे शुरू में आपने मेरा ब्लॉग स्किप नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, बट अभी जब एक बज चुके हैं हमें ऊपर से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हमें कम से कम एक से डेढ़ घंटा लग गया ऊपर आने में, क्योंकि लेट के जाना पड़ता है ऊपर से, इधर लेने आना पड़ता है फिर भी। बाकी ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये व्लॉग, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियो मोर भी लाने वाले हैं, साथ ही अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर देना, एंड आप यहाँ आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। तो अब हम बाय बाय करते हैं, यहाँ को हम जाने वाले हैं बिकॉज ठीक है चले एक बार पूरा व्यू दिखा देते हैं यहाँ का, फिर उसके बाद बाय बाय कर लेंगे। उसके बाद हम बैठते ट्रेन में, उसके बाद घर जाते हैं। कटरा की ट्रेन क्या एक भीड़ हो रही है भाई, वो तो ओके देख। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।